तो सेकंड लेक्चर है आज और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, ठीक है। तो सबसे पहले चीज हम देख रहे हैं राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। जैसा कि हम जान चुके हैं कोई भी रिएक्शन यदि होगी, ठीक है, केमिकल चेंजेस आएंगे, कोई फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को जब हम लिखेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। ओके, एंड व्हाट इज द रूल दैट एट लेफ्ट हैंड साइड द रिएक्टेंट्स आर प्लेस्ड एंड एट द राइट हैंड साइड द प्रोडक्ट्स आर प्लेस्ड। ओके, व्हाट इज द रिएक्टेंट द स्टार्टिंग मटेरियल एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हिच इज द फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन द टू और मोर कंपाउंड्स। इफ रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड देन इट इज कॉल्ड एज स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वी विल नो अबाउट द हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन, बट इफ रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड देन इट इज स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। लाइक फॉर द एग्जाम्पल, वेन मैग्नीशियम वायर इज बर्नड इन एयर, सो वॉट हैपन्स, द मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म ऑक्साइड MgO. Mg इज इन अ सॉलिड फॉर्म, ऑक्सीजन इज अ गैस फॉर्म एंड MgO इज इन अ सॉलिड फॉर्म। In a bracket, I can write it as. Now, in this compound, in this, this is called as a chemical equation. Chemical equation. When magnesium reacts with oxygen gas in the air and forms oxide, that is called as chemical reaction. But when we are going to represent it in the equation form, this is called as a chemical equation. So, in the left hand side, these are the reactants. In the left hand side, these are the reactants. And in the right hand side, this is the product. So, we can see that here, two oxygen atoms are there. And here, only one oxygen atom is there. So, this equation is not balanced. And if equation is not balanced, it will be called as skeletal reaction. Or equation we can call. When we are writing chemical equation, we can write their physical state in bracket. Like in the solid, we can write small s, liquid small l, and for the gas small v. So it would be better if we write physical state of compound along with the compound, so that we can easily understand that this compound is a solid form or this. For the example, water. Water is found in both the in all forms, solid, liquid, and gas. So we must know ki in which form the water is taken. So we have to mention the physical state clearly. So when we are writing balanced chemical reaction, okay. So balanced chemical equation follow mass conservation law. What is mass conservation law? In a simpler word, mass cannot be created or destroyed. किसी भी रिएक्शन के दौरान जितना मास खत्म होगा उतना ही मास प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 100% लागू होता है, कुछ रिएक्शंस होती है जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस, फ्यूजन एंड फ्यूजन, उनमें ये चीज लागू नहीं होती है, ठीक है ना, जिसको हम बोले सिंपलर वर्ड में कि एटम बम। तो एटम बम में जो रिएक्शन होगी वहां रिएक्शन फॉलो करती है ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, तो वहां मास कंजर्व नहीं रहता है। लेकिन जो बाकी रिएक्शंस हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के अलावा, वहां पे हमें कहते हैं कि मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम, रिएक्टेंट साइड पर जितना मास टोटल कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट साइड पे उतना ही मास टोटल फॉर्म होगा। तो हमने कहा कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अगर मान लो मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है और MgO बनता है, अगर मैं कहूं कि मैग्नीशियम वाज कंज्यूम्ड एज 24 ग्राम, ऑक्सीजन वॉज कंज्यूम्ड एज 16 ग्राम, और हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मास ऑफ MgO फॉर्म्ड। अब यहां वैसे रिएक्शन बैलेंस करनी है हमें, उसके बाद हमें और भी तरीके यूज करने हैं, लेकिन इन वेरी सिंपलर वर्ड्स आई कैन एक्सप्लेन दैट 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज कंज्यूम्ड, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, दैट मीन्स टोटल 40 ग्राम वॉज कंज्यूम्ड। सो द प्रोडक्ट इज ओनली MgO, so we can say that 24 plus 16 total as a totality 40 gram was formed. So it implies law of conservation of mass, ki total mass consumed will be total mass formed in the product. Okay, so if we are applying the mass is conserved,
सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेड इन ऑल रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट फॉर्म. इसका मतलब यह है कि जितने भी एटम हमारे इधर खत्म हो गए रिएक्टेंट्स में, वो सब रीअरेंज होकर प्रोडक्ट में जाएंगे. तो ऐसा नहीं है कि एटम खत्म होने वाले हैं. जो चीज हम इसके लिए बोल रहे हैं कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. तो जो चीज हम मास के लिए बोल रहे हैं वो एटम के बारे में बोलेंगे. एटम आपस में क्या होता है, रीअरेंज होते हैं. यानी कि रिएक्टेंट के एटम आपस में टकराए, ठीक है, और उन्होंने जो है प्रोडक्ट बनाए, तो वो एटम नहीं खत्म होगा. ठीक है, एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बैलेंसिंग के दौरान हम किस चीज का ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हम हर एलिमेंट को देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट पार्टिसिपेट एट रिएक्टेंट साइड, मतलब रिएक्टेंट के अंदर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एट प्रोडक्ट साइड. इसका मतलब किसी एक एलिमेंट को पकड़ लें, जितने एटम इधर खत्म हुए हैं या पार्टिसिपेट किए हैं, उतने ही उस एलिमेंट के एटम प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए. यही सबसे मेन चीज है बैलेंसिंग का जो हम देखेंगे. अब देखिए, एक रिएक्शन है जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो ये तो एक्चुअली हमने रिएक्टेंट डाले, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आर मिक्सड एंड द प्रोडक्ट आर ऑब्जर्व्ड एज जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, अब ये रिएक्शन जो हम लिख रहे हैं दिस इज इन वर्ड फॉर्म. ठीक है, हम अभी फार्मूला नहीं लिखे हैं किसी का. अगर हम फार्मूला लिखने लग जाएंगे इनका, तो ये बन जाएगी अपनी इक्वेशन फॉर्म. सो इन इक्वेशन फॉर्म वी कैन सी दैट जिंक इज ZN, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, जिंक सल्फेट इज ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस इज H2. नाउ वी विल ट्राई टू बैलेंस द रिएक्शन. सो फॉर द बैलेंसिंग वी हैव टू चेक द नंबर ऑफ एटम्स. जिंक एट लेफ्ट हैंड साइड मीन्स रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट साइड RHs. तो जिंक यहां पर एक है, इस साइड भी वन है, इसका मतलब जिंक बैलेंस है. हम आ जाते हैं हाइड्रोजन पे, यहां टू है और यहां भी टू है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट टू टू बैलेंस्ड है. अब आ जाते हैं सल्फर पर, वन सल्फर इस साइड भी वन, तो सल्फर वन वन बैलेंस्ड है. इसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीजन पे, फोर इस साइड ऑक्सीजन फोर, मीन्स ऑक्सीजन एटम इज फोर फोर. इफ ईच एटम इज इक्वल एट बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, तो वी कैन कॉल दैट दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन. नाउ वील ट्राई द रिएक्शन विच इज नॉट बैलेंस्ड. सो वी कैन चेक बाय राइटिंग द नंबर ऑफ एटम्स. लाइक आयरन इज वन, हियर आयरन इज थ्री, ठीक है, हियर हाइड्रोजन इज टू, इधर हाइड्रोजन इज बैलेंस टू, ऑक्सीजन इज वन, ऑक्सीजन इज फोर. दिस मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड. नाउ द प्रोसीजर वाट वी हैव टू फॉलो फॉर बैलेंसिंग द रिएक्शन, वी हैव टू फाइंड द कोफिशियंट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच प्रोडक्ट. सो सपोज आई फर्स्ट चेक आयरन एटम. हियर आयरन एटम इज वन एंड इन द प्रोडक्ट साइड आयरन आर थ्री. सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस आयरन इज थ्री एंड दिस आयरन बाई मल्टीप्लाइंग बाई वन, सो आयरन एटम्स विल बी बैलेंस्ड. Now you can check three iron atoms and here are three iron atoms. So first procedure, if we have balanced the iron atom, I am writing again it 3Fe plus H2O gives यहाँ पे Fe3O4 plus here H2O and the coefficient before Fe3O4 is 1. Now I will check the oxygen atoms. So oxygen atoms I can say here 1 and here oxygen atoms are 4. So if I multiply H2O by 4 coefficient, the oxygen atoms will be balanced. So this was the first step when I have balanced the iron atom. In the second step, I am balancing oxygen atom. Okay. So oxygen was 4, oxygen was 1. So I have multiplied this by 4. So oxygen atom is now balanced. Now I come to third step, 3Fe plus 4H2O giving Fe3O4 plus here hydrogen gas. Now the last one is hydrogen element. I can check the hydrogen atom 4 into 2 is 8 atoms.
And here hydrogen atom is 2. So if I want to equate hydrogen atom at both sides, so here 8 atom, here 2 atom. So I am multiplying hydrogen by 4. What will happen? In the last step, I am balancing hydrogen element. Balancing hydrogen element. So the last equation is 3Fe. So the coefficient 3Fe plus 4H2O giving 1Fe3O4 plus 4H2. Now I can check that each atom is balanced. 3 iron, here 3 iron, 4 into 2, 8 hydrogen atom, 8 hydrogen atom, oxygen 4 into 1, and here oxygen is equal to 4. So this is the method to balance the reaction. We have to check each and every element whether the atoms of reactant and product side are equal or not. If they are not equal, then the both side is multiplied by some factor so that atoms of that element are equalized at both sides. You know, this is basically heat and trial method, and you have to again do for practicing many reactions. We will automatically understand how to balance the reaction. Next example we are taking KClO3 giving KCl plus O2. This is potassium chlorate, and this is potassium chloride, and this one is oxygen gas. So we will try to balance the reaction. So what I suggest that when we are trying to balance the reaction, we will write number of atoms of each element 1, 1, 3, 1, 1, oxygen 2. Now you can check that the potassium at both sides are equal, chlorine at both sides are equal, so we don't need to balance the chlorine atoms. The only remaining element is oxygen, and oxygen here are 3 and oxygen here are 2. So I can write the 3 and 2. So for balancing, what should be done? 3 is giving 2, means I multiply this by 2 factor and multiply it by 3 factor. So both numbers are equalized. So what will I do? I will multiply this by 2 and this multiplied by 3. So I am writing it again. 2KClO3 giving KCl plus 3O2. So what I tried, I have balanced oxygen atoms at both sides. Now potassium here is 2 and chlorine is 2. If you multiply by 2 factor, then this is balanced. Or the alternatively, what I can think now, that in KClO3, alternatively what I can think, KClO3 there are KCl plus O2. अब आप यहाँ 3 है, बाकी तो बैलेंस था ही सही, यहाँ 2 है. अगर मैं 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बैलेंस हो जाएगा. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि KClO3 गिविंग KCl प्लस 3/2 O2. और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो 2KClO3 गिविंग 2KCl प्लस 3O2. ये एक तरीका हो जाएगा बैलेंसिंग का. अगला एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए मैं एक एसिड बेस ले रहा हूं AlOH3 प्लस H2SO4 गिविंग Al2SO4 होल 3, ठीक है, प्लस H2. अब देखिए इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे कि इस साइड एल्यूमिनियम जो है, सबसे पहले मैं देखू 2, इस साइड एल्यूमिनियम है 1, तो 1 इस साइड और 2 साइड, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 2AlOH3 प्लस, यहां मैं स्पेस छोड़ता हूं, H2SO4 गिविंग Al2SO4 होल 3 प्लस, यहां स्पेस छोड़ता हूं H2. अभी ये रिमेनिंग है. अब आप यहां देखिए कि सल्फर यहां पर 1 है, ठीक है, सल्फर यहां पे जो है 3 है. 3 कैसे, बाहर भी 3 लगा हुआ है, ये 3 है. तो अगर मुझे सल्फर बराबर करना है, यहां 1 और यहां 3, तो मुझे यहां 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्या चीज बैलेंस होगी? सल्फर बैलेंस हो गया अभी यहां पर.
तो ऑक्सीजन देखते हैं अब नेक्स्ट टाइम, ऑक्सीजन जो है वो इस साइड सल्फेट आयन तो बैलेंस हो गया, तीन इस साइड है, तीन ही यहां पर है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं वाटर के लिए, ठीक है। तो वाटर में इस साइड में टोटल हाइड्रोजन काउंट करता हूं। हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे कि यहां OH3 है तो तीन हाइड्रोजन ये, और आगे कोफिशियंट टू है तो तीन, टू इंटू थ्री हाइड्रोजन सिक्स यहां हुए, थ्री इंटू टू सिक्स हाइड्रोजन यहां हुए, तो टोटल हाइड्रोजन यहां पे हुए 12। इधर हाइड्रोजन है 2, तो इस H2O को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो गया। इसका मतलब बैलेंस रिएक्शन क्या हो गई, 2AlOH3 प्लस 3H2SO4। अगर आपको डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर लें इसको कि सारे एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। किसी भी एक एटम को पकड़ो, अब देखो 2 एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम बैलेंस है, सल्फर या 3 है, 3 बैलेंस है, ऑक्सीजन देख लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 ऑक्सीजन एंड 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12 18 ऑक्सीजन इस साइड और 12 इधर और प्लस 6 18 ही हो गया। तो ये एक तरह से हीट एंड ट्रायल का मेथड है जिसमें आपको नंबर ऑफ एटम हर एलिमेंट के चेक करने हैं, इस तरीके से बैलेंसिंग चलेगी, ठीक है। तो ये अगर आप क्लियर कट इसको एनालाइज कर लोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि एल्यूमिनियम या 1 था या ऑक्सीजन 3 था या हाइड्रोजन 3 था, ये 2 ये 1 ये 4, इधर एल्यूमिनियम 2 सल्फर 3 ऑक्सीजन 12 इधर हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। तो जब बैलेंसिंग की बारी आई तो मैंने एल्यूमिनियम को बैलेंस सबसे पहले किया, 2 आगे लगा दिया, सल्फर की बारी आई हम 1 था या 3 हाइड्रोजन था तो यहाँ 3 सबसे पहले लगा दिया मैंने। अब ये यहां से इसके साथ ये बैलेंस हो गया। अब वाटर बैलेंस करने के लिए मैं सिर्फ हाइड्रोजन देख रहा हूं कि 2 हाइड्रोजन यहाँ 3 है और 2 है तो 6 हाइड्रोजन यहाँ 6 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन तो मल्टीप्लाइड बाई 6। ये बैलेंसिंग का तरीका है। तो जैसा कि ऑलरेडी अपन कर चुके हैं कि रिएक्शन हमने बैलेंस कर दी, पर रिएक्शन में एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो किस फिजिकल स्टेट में है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी कहा था कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, तो अगर मैं S लिखता हूँ इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट में है, G लिखता हूँ मतलब ये गैस स्टेट में है, सॉलिड लिखता हूँ तो सॉलिड S सॉलिड G फॉर गैस। अब वाटर यहाँ मैंने लिखा गैस, इसका मतलब वाटर इज अ फॉर्म ऑफ स्टीम। अगर मैं वाटर के साथ S लिख देता सॉलिड तो वो होता बर्फ आइस, अगर मैं लिक्विड रख देता तो लिक्विड वाटर होता, और अगर मैं गैस लिख देता हूँ वाटर के साथ तो स्टीम फॉर्म में। तो हमें रिएक्शन देखकर ये भी क्लियर कट आइडिया लगना चाहिए कि किस फिजिकल स्टेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर कहूँ कि और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट ऑल्सो कैन बी रिटर्न विद द रिएक्शन। जैसे फॉर द एग्जाम्पल अमोनिया फॉर्मेशन है, 2 नाइट्रोजन इस साइड, अब बैलेंसिंग मैंने बता दिया आपको 2 नाइट्रोजन है इधर 1 है तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूँ, 2 से, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन चेक करूँ 6 इधर भी हाइड्रोजन 6 तो बैलेंस है। अब जो आयरन मैंने यहां ऊपर लिख दिया एरो के ऊपर, इट मींस इट इज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, स्पीड बढ़ाता है। जैसे मैंने यहां लिखा जीनोन और हाइड्रोजन, दे आर फॉर्मिंग जीनोन H2। नाउ द रिक्वायर्ड कंडीशन इज प्रेशर शुड बी 6 एटीएम एंड टेम्परेचर शुड बी 400 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द एग्जाम्पल इज दैट कि वी कैन राइट द कैटलिस्ट प्रेशर और टेम्परेचर अलोंग विद द रिएक्शन सो दैट वी गेट अ क्लियर कट आइडिया कि हाउ रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। सो व्हाट आर द स्टेप्स, फर्स्ट वी हैव टू राइट द फार्मूला ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सेकेंड स्टेप वी हैव टू बैलेंस द रिएक्शन, ड्यूरिंग बैलेंसिंग वी हैव टू चेक वेदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल और नॉट, थर्ड स्टेप वी कैन राइट फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड फोर्थ स्टेप वी कैटलिस्ट इज देयर वी कैन वी शुड write the catalyst on the top of the arrow, okay, and pressure and temperature can also be mentioned with the reaction so that it will be the complete information about the chemical reaction. Bas, end of